हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने एंसर की का रिजल्ट वो दोस्तों जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना एंसर की का रिजल्ट चेक नहीं किया है तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको लगता है कि मेरा सारा ऑब्जेक्टिव सही था, फिर मेरा गलत कैसे हो गया? सच दोस्तों, आप बिहार बोर्ड को इन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बिहार बोर्ड को बता सकते हैं कि मेरा सही था जो कि मेरा गलत हो गया? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन के घंटे को बजा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि दोस्तों बिहार बोर्ड से ऐसी पल पल की खबर आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। सिंपली दोस्तों, बिहार बोर्ड का एंसर की का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में दोस्तों आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ बी डॉट इन। ठीक है, ये वाली वेबसाइट दोस्तों आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना, स्क्रॉल डाउन करते जाना। यहाँ पे दोस्तों जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, जस्ट यहाँ पे देखिए, कल ही के डेट में देख पा रहे 8 मार्च 2020 को दोस्तों एंसर की का रिजल्ट देख पा रहे, एंसर की रिजल्ट दोस्तों वो जारी कर दिया। तो आपको इसी वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम दोस्तों इसी वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों आपको एंसर की वाले वेबसाइट पे लेकर के आपको चले जाएगा। देख पा रहे दोस्तों, कुछ इस तरीके से खुल जाती है। यहां पे दोस्तों खुलने के बाद आपसे दोस्तों तीन ऑप्शंस पूछे जाएंगे। पहला दोस्तों, यहां पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आप मैट्रिक है या फिर इंटर। फिलहाल दोस्तों यहां पे देख पा रहे इंटर का ही शो हो रहा है, इंटर का ही जारी किया है, मैट्रिक का अभी नहीं किया। तो मैट्रिक का दोस्तों जैसे ही जारी करेगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से जरूर सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, इंटर वाला यहां पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर पे जो भी आपका होगा, ठीक है, तो इंटर यहां पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे अपना रोल कोड डाल देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल सही रोल नंबर डाल देना है। इतना चीज सही से भरने के बाद आपको इस सबमिट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम आप दोस्तों एक स्टूडेंट का आपको करके दिखाते हैं, उनका भी एक गलत हुआ है। दोस्तों जैसे ही आप अपना रोल कोड रोल नंबर डालेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका नाम, आपका फादर्स का नेम, उसके बाद दोस्तों रोल कोड रोल नंबर, यहाँ पे दोस्तों सारा चीज़ आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, दिखने लगेगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना। ओके, तो जैसे दोस्तों नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, देखिए आंसर की यहाँ पे आ चुका है फाइल। आपको दोस्तों किस सब्जेक्ट का आपको चेक करना है आंसर की, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हिंदी का चेक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके हिंदी का सारा देखिए यहाँ पे खुल करके आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप हिंदी का किस सेट का चेक करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देख पा रहे दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट का चेक करना चाहे तो सेट ए सिलेक्ट करेंगे तो सेट ए खुल जाएगा। उनके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के अनुसार भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कितने का, 1 का 4 का 8 का, ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। सपोज ये देखिए 4 नंबर हमने सिलेक्ट किया और दोस्तों हमको लगता है कि मेरा यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है वो 4 नंबर का दोस्तों गलत हुआ है। ठीक है, हमने दोस्तों बिल्कुल सही डाला था, लेकिन दोस्तों आपको लग रहा है, आप दोस्तों तभी यहाँ पे इश्यूज कीजिए, तभी रिपोर्ट कीजिए, आप पूरा कंफर्म हो जाइए कि नहीं मेरा सही में गलत हुआ है, हमने बिल्कुल सही वहाँ पे टिक किया था। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, या फिर दोस्तों आपको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है और हमने बिल्कुल सही टिक किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस इशूज़ यानी समस्या वाले ऑप्शन पर आप दोस्तों बिहार बोर्ड को रिपोर्ट कर सकते हैं। देख पा रहे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला दोस्तों क्वेश्चन इज रॉन्ग, यानी कि दोस्तों जो प्रश्न है क्या वही गलत है, या फिर क्या सर आपका उत्तर गलत है, आपने सही किया था लेकिन आपका उत्तर गलत हो गया। तो दोस्तों आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लेते दोस्तों प्रश्न गलत है तो हम प्रश्न गलत पे टिक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद प्रश्न में क्या मतलब गलत है, आपको लगता है क्या कारण है जो कि ये प्रश्न गलत है, तो वो यहां पे आप दोस्तों दे सकते हैं, यहां पे बता सकते हैं टाइप करके। ठीक है, जो लिख सकते हैं कि इनका ये होना चाहिए क्वेश्चन और ये है, तो आप अपना एक सॉल्यूशन दे सकते हैं इस बॉक्स वाले ऑप्शंस पे। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहां पे देने के बाद आपको इस सेव वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके सेव कर देना है। तो दोस्तों ये बिहार बोर्ड के पास चली जाएगी। अगर आपका सही में गलत रहेगा
ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी कि किया हुआ रहेगा और आपने सही बनाया तो दोस्तों आपको जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल अपने से कंफर्म हो जाएं कि सही में मेरा गलत है, ठीक है, तो ही आप यहां पे रिपोर्ट करें, ठीक है, अन्यथा ना करें, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपना यानी कि चेक कर सकते हैं आंसर की, और आपको लगता है कि मेरा गलत है ये क्वेश्चन या इनका सवाल ही गलत है, हमने ऐसा बनाया था, ठीक है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव गलत है, तो दोस्तों आप इस तरीके से इश्यूज यानी रिपोर्ट कर सकते हैं बिहार बोर्ड को, ठीक है। दोस्तों मुझे इस वीडियो में यही बताना था, आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुपों में फैला दीजिए ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो में, अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।